मकर संक्रांति के पावन अवसर पर गांव रालियावास में ग्रामोत्सव 2020 का शानदार खेल कूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आरएसएस के प्रांत प्रचारक विजय सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वह अति विशिष्ट अतिथि के रूप में डीएसपी बावल जयसिंह ने पहुंचकर प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। गांव के सरपंच छबीला राम ने बताया कि आज ग्रामोत्सव में ऐसी लड़कियों को ग्राम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिन्होंने 14 वर्ष पहले राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाकर गांव का नाम रोशन किया था। आज उन सभी बेटियों को उनकी ससुराल से बुलाकर उन्हें शाल व 500 रुपए नगद देकर सम्मानित किया गया, साथ ही उन्हें ग्राम गौरव प्रशस्ति पत्र से भी नवाजा गया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का आरंभ हवन यज्ञ के साथ गांव की योगशाला में किया गया। गांव की महिलाओं ने मटका दौड़ में भाग लिया, बच्चियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए व गांव के बच्चों ने रेस हाई जंप में भाग लिया, बच्चों ने कबड्डी व बैडमिंटन भी खेली। सभी विजेताओं को ग्राम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि गांव रालियावास ऐसा आदर्श गांव है जहां पर भाईचारा पूरी तरह कायम है और यह अलग तरह की मिसाल पेश करता है जो शायद ही किसी गांव में देखने को मिले। जो हाथ लगा दे वो साइड में हो जाना, हाथ लगा दिया तो फाउल है। रेस का जो रूल है कि मटके को हाथ नहीं लगाना है, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उन सब ने मिलकर ब्रह्मा जी को शिकायत कर दी। ब्रह्मा जी को शिकायत कर दी कि ब्रह्मा जी आपने कहा कि मनुष्य महान है, लेकिन एक बात समझ नहीं आती, मनुष्य का बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद कई महीनों तक तो कुछ नहीं होती, जबकि किसी जानवर के बच्चे को देखेंगे तो वो तो कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में दौड़ कर जाता है। जानवर का बच्चा इतनी जल्दी से अपने पांव पर खड़ा होकर दौड़ने भागने लगता है, जो समुद्र में है वो तैरने लगता है, जो उड़ने वाला है वो उड़ने लगता है। और इतना ही नहीं, धरती पर सबसे तेज अगर कोई दौड़ सकता है तो मनुष्य थोड़ी दौड़ सकता है, जानवर दौड़ सकते हैं। और पानी में कोई लंबे समय तक तैर सकता है।
फिर इन बच्चों ने मुझे आज याद किया, उसके लिए मैं इन सबका बड़ा आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि अध्यापक के लिए बड़े गौरव की बात होती है कि आज मुझे 17 साल बाद इस सम्मान के लिए यहाँ बुलाया गया। लेकिन मुझे एक दुख है, मैंने जो मुहिम इस कालियावास गांव में शुरू की थी अपने हाथ से, शायद इन बच्चों को पता है, जहाँ ग्राउंड बना हुआ है कच्ची मिट्टी का, वो आज भी वैसे के वैसा है जिसको मैं 20 साल पहले छोड़ के गया था यहाँ से। तब जब इस गांव में मैं पहली बार आया, मेरी उम्र मात्र 21 वर्ष थी, 17 साल मैं यहाँ पे रहा। इस गांव में ये नहीं है प्रतिभा नहीं है, मैं बहुत जगह गया हूँ, देखा है यहाँ की बच्चों में जो प्रतिभाएं हैं, शायद मैंने कहीं पर नहीं देखी वो प्रतिभाएं। मुझे अब आज भी याद है, भोसला एक बिटिया बैठी है, पिंकी भाई सुब्बे की लड़की है वो, इनको तो ये बिल्कुल छोटी सी थी, और जब फाइनल मैच होने लगा, हमारा साहस अपमान स्कूल था एक बहुत बड़ा, ये वो बच्चियां हैं जिनको मैं पहली बार रेल में बैठी थी, और पहली बार स्टेट में गई, और पहली बार ही स्टेट विनर होकर आई, तो वहां जब इनाम देने लगे, जब वहां स्टेज पर इनाम देने लगे, तो उन लोगों ने विशेष तौर पे ये कहा कि ये कैसे हुआ। अब जो पहली बार एक गांव से राजस्थान बॉर्डर पर जो गांव है, वहां अनाउंसमेंट किया गया बाकायदा, बड़े बड़े ऑफिसर आए थे वहां स्टेज पर इनाम देने के लिए, उनको ये बताया गया कि वो बच्चियां हैं जो एक राजस्थान बॉर्डर से उठकर आई है और पहले बार स्टेट में आई, और पहली बार ही स्टेट में रोके जा रही है, और ऐसे ऐसे टीम से टक्कर थी जिनको इन्होंने, जब मैंने पहले इनको मैच दिखाया, अब पहले मैच देखिए, क्योंकि मेरे पास मेरे पिता का अनुभव था, मेरे बुजुर्गों का अनुभव था, लेकिन मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मैं उस अपने अनुभव को आगे बढ़ा नहीं पाया, यहाँ से मेरा ट्रांसफर हो गया, आगे जाके मुझे ऐसी कोई स्टैंड नहीं मिला। बाका वास्तव में इस गांव में प्रतिभाएं आज भी हैं, क्योंकि मैं पूछता रहता हूँ भाई, आज भी यहाँ बहुत अच्छा स्टाफ बताते हैं। श्री सत्यनारायण जी हरियाणा पुलिस में SI के पद पर कार्यरत है, और इन्होंने हाल ही में भोंडसी में आयोजित की गई राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। नितिन, अभी आप इसके ऊपर चढ़े, तो ये किसने चढ़ना सिखाया? अपने आप सीख गए? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कहाँ पर पढ़ते हो? जी, आपका नाम? ज्योति। ज्योति, आज आपने दौड़ में फर्स्ट प्राइज जीता, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो बढ़िया। तो क्या गांव में पहली दौड़ हुई है या? तो आप दौड़ते रहे हो जो आज आपने इतना अच्छा दौड़ किया? तो ये मटका दौड़ थी, कौन सी दौड़ थी? आज आप रालियावास में आए, यहाँ गांव में जो आयोजन किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी के माध्यम से गांव वालों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और इसके बाद इस गांव में जो खेल आयोजन जो किया जा रहा है, ये एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है, बहुत ही बढ़िया पहल है। इससे एक तो बच्चे जो हैं सभी डिसिप्लिन सीखते हैं, इसके साथ साथ बच्चों में जो एक नशाखोरी की जो आते हैं वो दूर हो जाती हैं, छुटती हैं, वो आते हैं, पर एक सुंदर भारत की हम परिकल्पना कर सकते हैं।
क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? इसके माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि मेरा भारत जो है वो स्वच्छ रहे, साफ रहे, स्वस्थ रहे, ये मेरा संदेश है। आज गांव में क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ग्राम गौरव सम्मान के नाम से हमने ये शुरुआत की, जिसमें बच्चों की रेस, लेडीजों के लिए मटका दौड़, बच्चों के लिए कबड्डी रेस वगैरह की वो कराई, खेल कूद के लिए। और हमने DSP साहब को, SHO साहब को और गांव के सभी सम्मानित लोग यहां बुलाए, जिनसे सभी यहां पर आए। और यहां आने से हमारे को बहुत ही खुशी हुई कि हमारे गांव में जो ये प्रोग्राम हमने करा, और इन्होंने आके हमारी सौभाग्य दिया। DSP साहब जो हमारे यहाँ पहुँचे, इतना कीमती समय से जो समय दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद।